जी तो व्यूअर्स, अब हम पहुंच चुके हैं कमराड जंगल में। वो काला चश्मा, हम उससे वापस आ रहे हैं तो इधर हम रुके हैं थोड़ी देर के लिए। ये दरिया के बहुत अच्छे व्यू हैं। हमारे साथ डॉक्टर खालिद साहब हैं, ये इस्लामाबाद से हैं, वैसे यमन के रहने वाले हैं, ये आजकल इस्लामाबाद में होते हैं, इनसे काफ़ी दोस्ती हो गई है। और साथ नवीद भाई भी हैं, वो ज़रा पीछे रुके हैं, ज़रा गाड़ी का काम करवा रहे हैं। और हम आगे आ गए हैं जंगल की तरफ। इधर मेरी सांसें फूल रही हैं, तो इसकी मेन वजह ये है कि इधर जितनी बुलंदी ज़्यादा होगी ना, उतनी ऑक्सीजन की कमी की वजह से ना सांस लेने में मसला बनता है। जितना मैं ज़्यादा बोलूँगा उतना ज़्यादा ही मसला बनता है। तो बहुत अच्छे व्यू हैं इधर, और मैं दोस्तों को सारी कमराड वैली की सैर करवाई है और मज़ीद अब दरिया की सैर करवाऊँगा। खूबसूरत पाकिस्तान को बनाया है। पहाड़ों की चोटियाँ, लंबे लंबे दरख्त, और ये दिलकश नज़ारे नदी नालों के। जी तो व्यूअर्स, कमराड आबशार में हमारे नए दोस्त बने हैं नवीद भाई और डॉक्टर खालिद साहब। मैं इनसे पूछता हूँ कि इन्हें ये वैली कैसी लगी। नवीद भाई, कैसी लगी ये वैली आपको? माशाल्लाह, अल्लाह ताला बहुत खुश। डॉक्टर साहब, आपको बताएंगे हमारा पाकिस्तान कैसा लगा आपको? और हमारे साथ मलिक राशिद, ये हमारे गार्ड मोहम्मद अली और उमर, और ये हर दफ़ा हर सफ़र मेरे साथी अनीस भाई। ये कुछ लोग फिशिंग कर रहे हैं इधर ट्राउट। इनके पास मैं जाता हूँ, देखता हूँ इन्होंने कोई फिश पकड़ी भी है या बस नेट ही लगा रहे हैं। 1 मिनट प्लीज। आ गई डॉक्टर साहब, आ गई। एक मिनट यार, वी आर वेरी सॉरी फॉर यू फिश। ट्रॉल फिश अभी पकड़ी है पानी से, दरिया से फ्रेश ट्रॉल फिश। कितने केजी देते हैं ये? मालदीव नहीं, माली ये काम करना। इजिप्ट में गए थे पहले और सऊदी, और इधर पाकिस्तान में अपने बेस कैंप पे, जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की है। तो डॉक्टर साहब को भी हमने इधर ही रोक लिया, नवीद भाई को भी, और अली भाई भी हमारे साथ में। तो इधर ही हमारा प्रोग्राम है, घोड़े वगैरह बनाते हैं, उसके बाद ही सफर शुरू करेंगे हम। तो घोड़े बनाते हैं, खाते हैं, चाय पीते हैं साथ। That's
आयुष भाई ने पकौड़े बनाए माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बहुत टेस्टी चीज़ है वैसे ही खाना बहुत अच्छा बनाते हैं चलो मैं चाल बनाएंगे इंशाल्लाह वो मज़ा आएगा चाय हो गई पकौड़े हो गए चावल हो गए जमीन भाई बनाते हैं